दूरदर्शन की खास बड़ी अपडेट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में डीडी फ्रेडिस की जो लेटेस्ट वाली अपडेट है वो मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं साहिल चैनलिस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं खबर को आप लोगों को बताता चलूं, अगर आप डीडी फ्रेडिस के MPEG-4 सेटअप बॉक्स HD सेटअप बॉक्स के यूजर हैं तो दोस्तों ये एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है कि HD सेटअप बॉक्स जिनके पास है उनके पास दोस्तों 171 T+ TV चैनल ऐड हो चुके हैं और यह TV चैनल आप स्कैन करके अपने सेटअप बॉक्स को देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब अगली बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों MPEG-2 रिसीवर यूजर्स के लिए। दोस्तों, डीडी फ्रेडिस पर 70 ई ऑक्शन 4 जुलाई को होगा और 11 जुलाई को नए TV चैनल ऐड होंगे जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है। लेकिन दोस्तों, डीडी फ्रेडिस पर सिर्फ एक स्लॉट खाली है और इस एक स्लॉट पर उम्मीद ये की जा सकती है कि स्टार 102, अतरंगी या दोस्तों कोई अन्य TV चैनल ऐड हो सकता है। वहीं पर दोस्तों एक और भी हमारी जो सोच है एक और तरीके से कि डीडी फ्रेडिस पर हो सकता है MPEG-2 में जैसे खबरें निकल के आ रही थी बीच में 171 या 200 के आसपास में नए स्लॉट बढ़ाए जाएं। जब नए स्लॉट बढ़ाए जाएंगे तो और अधिक चैनल आपको डीडी फ्रेडिस पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये रही जितनी भी खबरें थी वो मैंने आप लोगों को बताई। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सा चैनल आ सकता है डीडी फ्रेडिस पर? मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।